टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें 21 जनवरी को एनसीपी पार्टी और कुल जमात के तरफ से जिस तरह से कलवा मुमरा शील दीवा बंद करने का ऐलान किया गया था, वो भी टोरेंट के विरोध में। लेकिन आज इसी के संदर्भ में मुमरा पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें टोरेंट पावर के अधिकारी प्रकाश चजनानी और डीसीपी अविनाश अंबूरे और एनसीपी के सैयद अली भाई साहब और समीम खान और शानू पठान तमाम कार्यकर्ता इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग से नतीजा ये निकल कर सामने आया कि जो 21 जनवरी को इनके तरफ से आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया, यानी कि रोक दिया गया है। और टोरेंट के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 6 कंपनियों के अलग अलग मीटर जो है के लोग जो है लाकर लगा सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो है जिस तरह से बिल की समस्याएं तमाम है, उनको जो है सुधारने के लिए टोरेंट पावर की तरफ से जो है शहर में अलग अलग जगह पर जो है कैंप लगाए जाएंगे। और जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि जो इनका आंदोलन था उसे रोक दिया गया है, और डीसीपी अंबूरे और एनसीपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने और इस पर टोरेंट के अधिकारी ने भी पूरी जानकारी क्या दी है, सुनिए। मीटिंग के सारे फैसले आप लोग के सामने आए, अधिकारी जो आए थे उन्होंने आपके सामने स्टेटमेंट दिया, डीसीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया आपको। एक रिक्वेस्ट ये की गई, गवर्नमेंट थोड़ा पीछे आई है, कई चीज़ों का फ़ायदा मिला है और ये आंदोलन ख़त्म नहीं है, ये पोस्टपोन किया गया पुलिस के रिक्वेस्ट के ऊपर कि जो लॉ एंड ऑर्डर्स का मामला चल रहा है, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारी और कुछ मांगे हैं, जैसे 2 मांगे हमारी पूरी हुई है, अभी शमीम भाई बताएंगे, शानू भाई ना, ना उस तरीके से अब इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। शानू भाई क्या जानकारी देंगे, शमीम भाई क्या जानकारी देंगे आप? आज मुमरा पुलिस स्टेशन में हमें एक कॉल आया यहाँ से, हमारे भाई साहब को, मुझे, शानू भाई को और हमारे तमाम नगर सेवकों को कहा गया कि डीसीपी साहब और हमारे यहाँ के इंचार्ज और एसीपी साहब के साथ एक मीटिंग तय की गई है। तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग में आए और यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे टोरेंट के वो आला ऑफिसरान भी यहाँ पे आए हुए थे, जो सजनानी जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, कुछ एमएससीडीसीएल और टोरेंट के मिले जुले अधिकारी यहाँ पे थे। तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे। 4 पॉइंट में नंबर 1 ये था कि जो 6 महीने के अंदर लॉकडाउन की पोजिशन में जो दुकानें, जो मकान, मंदिर, मस्जिद, जो कुछ बंद रहे, उसके जो बिल आए, वो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है, हमारी आवाम को ये लग रहा है कि वो बिल गलत आ गई। जैसे कि जो मीटर की रीडिंग ली गई वो ऑन एवरेज ली गई, तो हमारी इनसे मांग ये थी और मांग है कि आप सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को कम करो, और अगर वो लॉकडाउन में बंद रहा है तो उसका बिल पे करने का कोई अधिकार आपको लेने का अधिकार भी नहीं है, ना हमारा कोई देने का अधिकार है। नंबर 2 पीडी की बात थी कि जब एमएससीडीसीएल चली गई तो फिर आप पीडी कहाँ से लेकर के आ गए? लेकिन इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कमदार साहब, उस एग्रीमेंट के अंदर जो इनका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये उसमें इन्होंने, आज हमने ये देखा, जो इन्होंने अभी हमको ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर है कि 110 का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बिल अगर 1,00,000 रुपये है और अगर मैंने 1,10,000 पे कर दिया तो मेरा जो है, जो इनको यानी 1,50,000 लेना था इनके बिल के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं 40,000 रुपये कम करके हमको 110 यानी 1,10,000 रुपये पे करके अपना कनेक्शन को बचा लेना है। और उसके अंदर भी इन्होंने फैसिलिटीज दिया है, जो इन्होंने 12 इंस्टॉलमेंट कहा है, अगर हम 30% पे कर देते हैं तो बाकी के पेमेंट जो है हम 12 महीने में पे कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने एक ऑर्डर लेकर के आए हैं। दूसरी बात, और ये सिर्फ मुमरा कलवा दीवा के लिए है। दूसरी बात यह है कि हमारी इनसे एक मांग और थी कि ये मीटर ला के लगा रहे हैं, मीटर का कहीं ना कहीं हम लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर फास्ट चल रहे हैं। तो मंत्री महोदय के पास एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें MD साहब खुद मौजूद थे, भाई साहब थे, शानू भाई थे, हमारे अध्यक्ष आनंद प्रातवे साहब थे, हमारा एक डेलीगेशन था, वहाँ पर ये तय हुआ था कि बात हुई थी कि मीटर जो है वो जो ये 5-6 कंपनी के मीटर लाएंगे और कंज्यूमर जो चॉइस करेगा कि हमको ये मीटर लगाना है, उस मीटर को वहाँ लगाया जाएगा। आज इन्होंने उसका भी ऑर्डर हमको दे दिया है, फाइनलाइज किया है।
नंबर तीन, जो बिल की बात है, बिल के ताल्लुक से हमारा आज इन्होंने ये वादा किया है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, डीसीपी साहब ने हमें जो बुलाया तो डीसीपी साहब ने हमारे डेलीगेशन से ये बात की कि आप लोग देखिए कोरोना काल का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आप इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए सैयद अली अशरफ भाई साहब ने इसका फैसला लिया, माननीय मंत्री जितेंद्र अवार साहब बात करके हमारे नेताजी से, कि हम लोग जिस तरीके का इन्होंने अभी आपके माध्यम से कहा कि हम बिल का भी सुधार करेंगे, मुमरा शहर में जितने भी हॉल हैं उस हॉल के अंदर हम कैंप लगाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि कलवा के अंदर हमने सुधार किया है ऐसे हम मुमरा में करेंगे, तो उस हिसाब से भी इन्होंने एक वादा किया है, तो हम इनके सब वादों को ज़रूर सुने। हमारे मंत्री जी से हमने बात किया है और इसके बाद हमारे मंत्री जी ने ये भी कहा है हमको कि हम बहुत जल्द ऊर्जा मंत्री जी के साथ एक मीटिंग लगाएंगे। मीटिंग लगा करके ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो समस्याएं हमारे शहर में है, मैं ये नहीं कहता कि कोई आज इनके कहने से या टोरेंट के कोई डर से या कोई केस खाने के डर से हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर देते हैं, सवाल उठेगा और सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि कोई हमारे ऊपर ये सोचे कि हम ये मुकदमे से, ये पुलिस से, ये फोर्स से और इनसे डर गए, तो गलत फहमी के शिकार ना हो। शहर की लड़ाई है, उसको आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम लोगों ने माननीय डीसीपी साहब की जो उन्होंने बात रखी कि कोरोना काल का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हमने सम्माननीय डीसीपी साहब का रिस्पेक्ट रखा, सजनानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका सम्मान रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जितने वादे मीडिया के माध्यम से इन्होंने किया है, अगर उसमें सुधार नहीं आया तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ये लड़ाई कल भी थी, ये लड़ाई आज भी है, ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। हमारी लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, पार्टी के जो कार्यकर्ता, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ हम लोग जो है हाईकोर्ट भी जाएंगे, हमारा वहाँ भी वर्क चल रहा है, हम इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा इनकी चीज़ों पे, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है यानी कल का हमारा जो जन आंदोलन है, हम आपके माध्यम से हमारे शहरवासियों को हम कहना चाहते हैं कि आज इन्होंने वादा किया है डीसीपी साहब के सामने, अगर इसको देखते हुए हम कल के आंदोलन को, कल के हमारे धरने को हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, जैसे प्रेस वालों को भी मालूम है, कई प्रश्न भी उपस्थित किए कि लोगों में गुस्सा है, और हमने अंदर मीटिंग में कह दिया साफ कि आपकी हमको कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें तो ज़रा भी समझ में नहीं आती। जब हमारे समझ में नहीं आ रही तो लोक प्रतिनिधि को नहीं समझ में आ रही तो लोगों को कैसे समझ में आएंगी, ये साफ है। तो उनको ये डिस्कशन करने के बाद हमने कहा कि आप ये सबसे पहले बता दीजिए कि जिनको MSEDCL के टाइम पे साल भर से 1000 बिल आता था, टोरेंट आने के बाद वो बिल भरता है कंज्यूमर, उनके पास सालों से रिकॉर्ड है, टोरेंट आने के बाद वो 3000 कैसे हो गए, पहला सवाल। पीडी मीटर अगर कर दिया है तो आप इसका बिल MSEDCL का क्यों वसूल कर रहे हैं, आप अपना टोरेंट की लाइट दे दी और वो हमसे बिल लीजिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कुछ MSEDCL का ऑर्डर लाए और उन्होंने कहा कि हम मुमरा, कौसा, दिल, शिवा, कलवा इन सभी जगहों पे अच्छे रिस्पांस देना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब इसको फॉलो कर रहे और पावर मिनिस्टर से कंटिन्यू बात कर रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा हम आपकी जो चार मांगे उसमें से हम ज़्यादातर मांगों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि असीम गुप्ता साहब 10 दिन से छुट्टी पे थे, महावितरण अध्यक्ष, इसीलिए हमारे जो बाकी के जो मांगे वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इसीलिए उन माननीय डीसीपी साहब ने ये रिक्वेस्ट किया कि लोगों के अंदर गुस्सा है, अगर आप रोड पे आए तो हजारों की संख्या में लोग रोड पे आएंगे और कुछ भी हादसा हो सकता है शहर पे, इसीलिए ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए कि हमारे नौजवानों ने कुछ हादसा कर दिया और आप लोग जिम्मेदार मौजूद थे और उनके ऊपर पुलिस का काम है कि जब पॉलिटिकल लोग हैं कुछ हादसा होगा तो उन पर केस करेगी, तो साथ में कोई और कुछ घटना हो गई तो उन पर केस होगा। तो हम ये नहीं चाहते
क्योंकि लोगों के गुस्से की वजह से हमारे नौजवानों पे कुछ एफआईआर दाखिल हो, हम पे परवाह नहीं है। मेरे भाई साहब है 35 साल से शहर में और मुमरा के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन उनके ऊपर कई केसेस है, आज तक पासपोर्ट नहीं। पीछे से कान में ये बोलते हैं कि उमरा के लिए जाने का, जरा संभालना, मतलब ये उनकी परिस्थिति है। शमीम खान जी है, मैं शानू पठान, हमारे पे कई सारे केस है। ये जितने राष्ट्रवादी के लोग हैं नगर सेवक, उन पे भी केस है और लोग भी दूसरों पार्टियों के पे भी केस है। मतलब आंदोलन करना है तो करना है, केस से नहीं डरना है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो कुछ वक्त देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ आए, डीसीपी साहब ने कहा कि मिनिस्टर साहब भी आज सुबह से लॉ पावर मिनिस्टर से बात कर रहे थे, पिछले 8 से 15 दिन के अंदर आपके जो दूसरे 4 प्रश्न है उस पर ठोस निर्णय महावितरण यहाँ पे करके देगी। अगर नहीं करी तो ये साफ कह दिया है, जहां जनता वहां हम। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जनता एक जगह और हम दूसरी जगह, इसीलिए ये लोग भूल जाए। हम दिखा के भागेंगे नहीं शहर के लिए, शहर के लिए लड़ेंगे, यहीं जिंदा रहे यहीं मरेंगे। थैंक यू। आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि कल का बिल, आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हमारी आवाम को, कि कल के व्यापारी लोग जो बंद रखने वाले थे, हमारी माँ बहने लोग जो आने वाले थे, ये आंदोलन हमने पोस्टपोन किया है और जल्द मान हम सभी जितने नगर सेवक है भाई साहब के साथ मिलकर, मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर 8 से 15 दिन में जो हमारी दूसरी मांगे उस पर अपडेट लेके प्रेस को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम पहले भी आपको बोले थे, अभी भी बोले, हम टोरेंट को यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर जब हमारी सरकार है, इंशाल्लाह ताला हम हमारी सरकार के जरिए उसको भगा के रहेंगे, कोर्ट के माध्यम से भगा के रहेंगे और आंदोलन के जरिए भगा के रहेंगे। ये हमारा निर्णय फाइनल है, क्योंकि लोगों में टोरेंट के माध्यम से गुस्सा है। अगर लोग खुश हो गए, 90% लोगों को सहमति मिल गई, इनके जो कैंप लगने वाले अलग अलग जगह, और लोगों ने 90% लोगों ने बोल दिया हमारे बिल कम हुए, हम सेटिस्फाई हैं, हम खुश हैं, तो हम को कोई मतलब नहीं, हम बोलेंगे ठीक है आपकी सर्विस के नाते, आवाम खुश तो हम खुश, आवाम नाराज तो हम नाराज। नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है। ये भी जो आपका जो इशू जो रेज किया था, ये भी नगर सेवकों ने और प्रतिनिधियों ने इसको रेज किया था कि भाई जो बिल हैं, जो बढ़ के बिल आ रहे हैं, तो हमने उनके साथ बैठ के ये तय किया है कि हम लोग हर जगह पे, मतलब कलवा, मुमरा, शील में अलग अलग जगह पे हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, हर लोकेशन पर जाके कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और जितने भी ये जो बिल की शिकायतें हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी जो इश्यूज पब्लिक के रेज किए, उसको हम एड्रेस करेंगे। ये भी एक मुद्दा था जिसको हम उसको एड्रेस देंगे। सर अभी तक मैं आपको बताऊं, हम लोग सर अभी तक जो भी कैंप हुआ वो एक दो ही कैंप हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही इशू एक कलवा के अंदर हमने काफ़ी कैंप ऑर्गेनाइज किया, एक एक बंदे को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बिल का वर्किंग किया है। एक बिल के साथ हमने पूरा कैलकुलेशन आप उनको समझाया है और ये काफ़ी इशू, काफ़ी हद तक इशू आज कलवा के अंदर सॉर्ट हो गया है। और हमको पूरा विश्वास है कि ये बाकी भी जो मुमरा, शील, डाइगर के अंदर ये सारा इशूज को हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और यही जनप्रतिनिधि ने एक इशू रेज किया था, तो जो एक पीडी के बारे में बात किया प्लस इसके बारे में बात किया। और तीसरा एक मुद्दा था कि भाई हम लोग जो मीटर है वो हम टोरेंट का मीटर लगाएं, हम खुद का मीटर भी ला सकते हैं। उसका भी एक सर्कुलर MSEDCL ने निकाला है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए भाई ये 6 कंपनी के मीटर हैं जो उनके मानक के हिसाब से, आप 6 कंपनी के मीटर में से कोई भी मीटर आप लगा सकते हैं। वो भी एक मुद्दा किया। इसके बावजूद नहीं, वो अभी लगा रहे ना, अभी ना एक ही ऑफिस के बाहर वहीं पर अमृत नगर में लगाया था, वहाँ पर टोकन दिया जाता था और लोगों को टोकन देके बुलाया जाता था और टाइम जितना 5 बजे का टाइम देके 4 बजे के पहले ही वो ऑफिस बंद कर देते थे। तो वो ऐसे लोगों के लिए क्या है, सिर्फ टोकन नहीं, देके नहीं, 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 अगर ऐसा हुआ है तो उस पर चेंज करेंगे। हाँ बोलिए, आपके ऑफिस पर भी टोकन लेकर के क्यों लगा करके जो लोग अपनी कंप्लेंट देते हैं तो वो 2-2 महीना 3-3 महीना कंप्लेंट अटेंड ही नहीं होती है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको जानकारी भी दे रहा हूँ और ये मेरा सवाल भी है, ऐसा क्यों? ठीक है, आपने अगर ये हमारे ध्यान पे लिया, डेफिनेटली हम इस तरह से जितनी भी जो कंप्लेन है उसको ध्यान देंगे। आज भी मीटर में चर्चा हुआ कि भाई आप जितने भी जो ऐसी कंप्लेन है उसका, इसीलिए हम जो है कंज्यूमर के वहाँ पे जाना चाहते हैं। हम सभी को ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बुलाना चाहते, हम लोग आपके डोर स्टोर पे आना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे आके
और आपके इश्यूज को हम सॉल्व करें। इसके बावजूद भी मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद भी ये नगर सेवकों ने और प्रतिनिधियों ने और भी कुछ सुझाव सजेशन दिए हैं, जिसको भी हम आगे मंत्री महोदय के पास ले जाएंगे और MSDCL के पास ले जाएंगे और जिस तरह से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमें आशा है कि आए दिन के अंदर ये इश्यूज़ को भी रिजॉल्व होगा, जिस तरह से आज ये एक हम लोगों को जो पीढ़ी के लिए बारे में एक जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसका कॉपी हम इनको भी देते हैं प्रतिनिधि को। ये है पर्टिकुलरली पीडी के अंदर जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे उसके बारे में ये सर्कुलर है। दूसरा ये सर्कुलर है कि जिसके अंदर आप अपने जो मीटर लगाना चाहेंगे तो इसमें 6 मीटर के कंपनी के बारे में लिखा गया है, वो 6 मीटर में कोई भी मीटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप खरीद के हमारे वहाँ पर टेस्ट करा के बाद में इसको लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो उसका रिजॉल्व किया है और मैं यही दो सर्कुलर सानू पठान साहब को और भाई साहब को ये उनको देता हूँ मैं आसान और सानू पठान साहब शमी खान जी ये सर। अरे लो मत, ये दे दो इनको, लो आप लोग लो। 40% कैसा है वो बताइए आप। 110 जो है। हाँ, इस सर्कुलर के हिसाब से जो आपके लिए ये केवल एक ये जो स्कीम है वो केवल कलवा मुमरा शील और ढाईगर के लिए है, जिसके तहत अगर आपका पीडी का जितना भी अमाउंट बाकी है मान लो 100 रुपया है तो आपको केवल 110 रुपया देना है, और अगर आपके इसके इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं तो आप 30% दे के बाकी का 12 इंस्टॉलमेंट तक करा सकते हैं। और ये स्कीम जो है जून 2021 तक अवेलेबल है और आप इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं, और जिसको इंस्टॉलमेंट होगा उसको उसके लिए अलग से ब्याज देना पड़ेगा, वरना अगर एक साथ कोई भरेगा तो उसको 110% प्रिंसिपल अमाउंट का भरेंगे तो वो उनका पूरा निकल जाएगा, और अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो भी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उनके घर पे हम मीटर भी लगा देंगे, ये भी तय हुआ है। और ये जो आंदोलन को लेकर के आप क्या भूमिका है, हम इनको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको स्थगित कराएं, और ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से ये जो चीजें आगे हम आगे बढ़े हैं और एक सरकार और मंत्री के हेल्प से एक कदम आगे बढ़ा है तो इस हिसाब से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको स्थगित किया जाए। बेसिकली जो जन आंदोलन यहाँ के पूरे जो कॉरपोरेटर्स हैं, नगर सेवक है, उन्होंने ऐलान किया था, काफ़ी जो नागरिक है उनके समस्या को लेके उसके तहत काफ़ी मीटिंग्स हुए हैं। हमने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सभी नगर सेवक, शील डाइगर, मुमरा, कौसा, सब एरिया के नगर सेवक और टोरेंट के आला अधिकारी, उन सब लोगों की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें टोरेंट के जो आला अधिकारी, उन्होंने उनके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब है उनके वहाँ से भी उन्होंने जाके मीटिंग करके उन्होंने 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी जानकारी उन्होंने सभी नगर सेवक को दी। उसमें 2 चीज़ें, एक जो अभय योजना है उसके बारे में उन्होंने, जो नया सर्कुलर आज जो नया ऑर्डर गवर्नमेंट का है उसके बारे में भी उन्होंने उनको जानकारी दी, ताकि दूसरी चीज़ जो मीटर के बारे में, जो कौन से कंपनी के मीटर लगा सकते हैं, 6 कंपनी के, उनके भी एक ऑर्डर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है वो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने माननीय नगर सेवक सभी लोगों को दिया है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो शमीम भाई है, शानू पठान है, सैयद अली भाई साहब है और तमाम बाकी जो पाटिल साहब है जो शील डाइगर के नगर सेवक है और बाकी जो सर्व नगर सेवक है, उनसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो प्रॉब्लम्स को लेके इन्होंने खड़े किए थे, उस प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, 2-3 ऑर्डर्स भी आज गवर्नमेंट से आए हैं। तो मेरी वही, हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था तो वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी पार्टीज के कॉरपोरेटर्स, जो ये जन आंदोलन उन्होंने ऐलान किया था उसको कोरोना के तहत पोस्टपोन किया जाए या स्थगित किया जाए।